ओके, जैसा कि हमने लास्ट सीरीज में लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स कवर की थी, विच वाज पार्ट वन, नाउ हियर वी आर विद पार्ट सेकंड ऑफ लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स। एंड इस टाइम हम कवर करने वाले हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, विवाद से विश्वास स्कीम एंड टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। ऑल द थ्री स्कीम्स जो कि रिसेंटली जो बजट लॉन्च किया गया था उसमें काफ़ी वाइडली मेंशन की गई थी एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरली इनके ऊपर डिस्कशन हुआ था। सो टुडे आज के एडिशन में हमारा टारगेट ये तीन स्कीम्स को कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। नाउ आज की जो हमारी पहली स्कीम है लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में, दैट इज़ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट इसको मेंशन किया था। इसका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव है टू मेक इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन द डोमेन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। नाउ इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज़ बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल इज़ ए टेक्सटाइल दैट इज़ प्राइमरीली मैन्युफैक्चर्ड फॉर इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रैदर देन एस्थेटिक पर्पस। इसका ये मतलब निकलता है कि इसको सजाने के काम के लिए नहीं, बल्कि मेनली जो कि टेक्निकल किसी रिक्वायर टेक्निकल फील्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर जगह पर, वहाँ जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आती है उन्हीं के लिए ही मैन्युफैक्चर किया जाता है रैदर देन इसके लुक्स के लिए। सो ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है। एंड वाई दिस मिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली इंडिया इम्पोर्ट्स दिस टेक्निकल टेक्सटाइल एवरी ईयर वर्थ $16 billion। सो काफ़ी बड़ा मार्केट साइज है। सो दैट्स वाई दिस नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बिकम्स रेलिवेंट, जो कि इंडिया को नेक्स्ट 4 सालों में फ्रॉम 2020-21 टू 2023-24 इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स एक इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है इस फील्ड में, जिसका कि मार्केट इन द अपकमिंग ईयर्स बढ़ता ही जाएगा। एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इट हैज़ ए वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, मेडिकल, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल पार्ट्स, कोई भी फील्ड लो इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स वाइडली यूज़ होते हैं। सो गवर्नमेंट इज़ राइटली थिंकिंग अबाउट एक्सपेंडिंग द मार्केट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल सो दैट वी कैन हैव दिस कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर इट एंड प्लेस इंडिया इन ए लीडरशिप पोजिशन इन द डोमेन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया कैंपेन को भी बूस्ट मिलेगा। सो काफ़ी सारे इसके साथ सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स आएंगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल वी नीड टू नो अबाउट दिस टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। आज की जो हमारी सेकंड स्कीम है वो काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, जो कि न्यूज़ में आए दिन सुनने को मिल रही है, विवाद से विश्वास स्कीम। एंड द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग दिस स्कीम ऑफ द मोदी गवर्नमेंट इज़ जो भी वेरियस फोरम्स में डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनमें जो मनी फंसी हुई है उसको वापस लाना है। सो वी कैन से टू रिकवर द डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूटेड अमाउंट पेंडिंग एट वेरियस फोरम्स अक्रॉस इंडिया। एंड इसके लिए क्या मेथोडोलॉजी ये लोग अडॉप्ट करने वाले हैं, दे आर गिविंग ए विंडो ऑफ पेइंग द डिस्प्यूटेड अमाउंट विदाउट एनी पेनल्टी और इंटरेस्ट। इनिशियली वो 31 जून तक थी ये विंडो, नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड इन द व्यू ऑफ कोरोना वायरस बाई 13 जून। सो पहले जो है 31 जून तक कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट कभी भी पे कर सकता था विदाउट पेइंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो कि उसमें इन्वॉल्व है 31 मार्च तक, बट नाउ कोरोना वायरस के कारण ये जो डेडलाइन है ये एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून। एंड इसके बाद जो कोई पे करता है तो उस पर एडिशनल पेनल्टी या अमाउंट लगेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट लेटर ऑन, बट अभी के लिए डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। एंड इसका अंडरलाइंग जो फोकस है दैट इज अराउंड एक एस्टिमेट है कि अराउंड 9 लाख करोड़ इज पेंडिंग इन वेरियस लिटिगेशन फोरम्स एज द डिस्प्यूटेड अमाउंट रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। सो अगर गवर्नमेंट इसका आधा भी इस आधा टारगेट अमाउंट का आधा भी अचीव कर पाए दैट विल बी ए ह्यूज बूस्ट टू द गवर्नमेंट रेवेन्यूज। सो यहाँ इनका फोकस इसका आधा भी अगर रिकवर हो जाता है तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज है गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा
and they can increase their spending on other relevant areas. So this is all with regard to Vivad Se Vishwas scheme. नाउ आज के पार्ट की जो लास्ट स्कीम है वो भी काफ़ी पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम है, टीवी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। व्हाई दिस स्कीम इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया इज़ हैविंग द हाईएस्ट टीवी बर्डन इन द वर्ल्ड। इन 2019 एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग 2008 तक इंडिया में टीवी नोटिफाइड पेशेंट्स अराउंड टीवी इन्फेक्टेड पीपल अराउंड 21 लाख है, विच इज़ ए वेरी लार्ज नंबर। सो इंडिया ने एक एम बनाया है कि बाई विद दिस कैंपेन इंडिया वॉन्ट्स टू एंड द टीवी, इरेडिकेट द टीवी फ्रॉम इंडिया बाई 2025, 2025 तक टीवी को ख़त्म कर देना है, विच इज़ वेल अहेड ऑफ द गोल ऑफ UN। यूनाइटेड नेशन ने जो गोल रखा है टीवी को दुनिया से हटाने का, दैट इज़ 2030। सो इंडिया इज़ वेल अहेड ऑफ UN इन इफ़ इट फुलफिल्स इट्स प्रॉमिस ऑफ एलिमिनेटिंग दिस टीवी। एंड सेकेंडली इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज 24 मार्च इट इज़ ऑब्जर्व एज ए वर्ल्ड टीवी डे, जो कि अभी रिसेंटली गया। एंड इस स्कीम के तीन कंपोनेंट्स हैं या तीन पिलर्स पर यह स्कीम बेस्ड है। फर्स्ट इज़ क्लिनिकल अप्रोच, दैट मीन्स प्रोवाइडिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द पीपल इन्फेक्टेड विद टीवी। एंड सेकेंड इज़ पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट, वेयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और उनकी जो भी हेल्थ रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की जाएंगी, सो दैट दे डोंट कैच दिस बैक्टीरिया ऑफ टीबी। एंड थर्ड है एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जहाँ पर कम्युनिटी के अंदर जो भी स्टिग्मा है, जो भी पब्लिक के अंदर एक सोशल स्टिग्मा है विद रिगार्ड टू टीबी एंड टीबी पेशेंट्स, उसको दूर किया जा सके। एंड एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से वी कैन थिंक ऑफ एलिमिनेटिंग दिस फ्रॉम इंडिया बाई 2025। एंड इसके अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिया जाता है। 2018 में एक स्कीम आई थी निक्षय पोषण योजना, जिसके तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ 500 रुपीज़ पर मंथ टीबी पेशेंट्स को, नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स को दिया जा रहा था एज ए न्यूट्रिशनल सपोर्ट। सो गवर्नमेंट की तरफ से ऑल द टीबी पेशेंट्स दे कैन अवेल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, क्वालिटी टीबी केयर ट्रीटमेंट्स एट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बोथ दोनों जगह ले सकते हैं। एंड देर आर मेनी अदर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट दिस। एंड टीबी भी काफ़ी तरह का होता है, द मोस्ट सीवर वन और इन्फेक्शियस वन इज़ द लंग टीबी और पुलमोनरी टीबी। बाकी जो टीबी इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर बॉडी पार्ट सच एज स्पाइन, किडनी, ब्रेन, बट जो कॉमन है एंड जो इन्फेक्शियस है दैट इज दिस लंग टीबी। So with this, we end this today's session of latest government schemes.